मुख्यालय से कुछ दूर पर स्थित विकासखंड पाबौ का चेड़लता गांव पिछले 30 सालों से सड़क निर्माण की मांग लगातार करता आ रहा है, मगर अब तक उनकी मांग पर कोई भी जनप्रतिनिधि व प्रशासन सुनवाई नहीं कर पाया है। आलम यह है कि थक हार कर अब ग्रामीणों ने आगामी पंचायत व 2027 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। ग्रामीण रमेश रावत ने बताया कि वे पिछले कई सालों से सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, मगर किसी भी जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। इसके आगे उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें जब आश्वासन दिया गया था कि जल्द चुनाव संपन्न होने के बाद उनकी मांग पर अमल किया जाएगा, मगर चुनाव आयोग का आश्वासन भी अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। इसी क्रम में ग्रामीण महिला कलावती देवी ने बताया कि सड़क निर्माण न होने से उनके बच्चों को 5 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके पाबौ जाना पड़ता है। इस दौरान जंगली जानवरों का खतरा भी लगातार बना रहता है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। हमको बहुत समस्या है यहाँ गांव की, 200 मीटर पैदल आना पड़ता है नीचे से, कोई भी सामान लाएंगे तो वो मतलब सिर में ले जाना पड़ता है, परेशानी होती है सिलेंडर की, बच्चों की, बीमार आदमी की, मतलब बहुत ही दिक्कत है। हम गांव में परेशान रहते हैं, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, हर इंसान को मतलब आम आदमी को दिक्कत होती है। नीचे का रास्ता भी बहुत दुर्गम है हमारा, हम जंगली जानवरों की है, सुअर की, भालू की, बाघ की, हर चीज की समस्या है। धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे गांव की सुध ली है, और आप देख रहे होंगे जैसे बुजुर्ग हैं, इनको बड़ा आने में बड़ी दिक्कत है, और हमारा एक गांव जो है जो 200 मीटर नीचे है, इसमें हमें जब कोई बीमार होता है तो बड़ी दिक्कत होती लाने में। और हमने विधायक जी से भी बोला था, 2-3 बार हम पौड़ी चले गए, केवल हमें आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। जो लोकसभा चुनाव हुए थे हमने उसमें भी बहिष्कार किया था, और जो ये आने वाले लोग ये जो चुनाव हैं उसमें भी हम पूर्ण तरह से बहिष्कार करेंगे। और अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमारी रोड का डामरीकरण और रोड का लिंक नहीं हुई रोड, तो हम अगले जो नेक्स्ट चुनाव है पंचायत चुनाव है उसमें भी हम बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। हमारे को जो ये रोड की है, रोड की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, और हम लोग लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया, क्योंकि हमारी रोड लिंक नहीं हुई है, पक्की भी नहीं हुई, 30 साल पुरानी रोड है ये। हम इस समय जो ये होगा क्या नाम कहते हैं पंचायत राज चुनाव, इसका जिला पंचायत से लेके, क्षेत्र पंचायत से लेके, प्रधान से लेके इसका पूरा बहिष्कार होगा, और आगामी विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार होगा।